नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। रोज की तरह एक बार फिर से आपके सेवा में हाजिर हूं मुर्गियों का थोक भाव लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल से आए हुए मुर्गियों के थोक भाव से। तो कोलकाता 132 का अपडेट है, मदीनपुर 115 रुपीज, सिलीगुड़ी 127 रुपीज, दार्जिलिंग 127, मुर्शिदाबाद 114, मालदा 122 का खबर है। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर दिनाजपुर का, 122 रुपीज, दक्षिण दिनाजपुर 122 रुपीज, कोचबिहार 140 एवं हावड़ा 120 का अपडेट है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों, 2 से 3 रुपए का कोलकाता में बढ़त दिख रहा है कल के मुकाबले। वहीं पुरुलिया 114, हुगली 116, बर्धमान 115, नदिया 118, सूरी 113 एवं अलीपुरदुर 140 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, 104 का अपडेट है। यूपी चलते हैं दोस्तों, तो झांसी 120 रुपीज, अलाहाबाद 110 रुपीज, आजमगढ़ 113, गोरखपुर 114, वाराणसी 112, बहरीच 110 रुपीज, लखनऊ 108 रुपीज, कानपुर 110 रुपीज, जगदीशपुर 110, रायबरेली 108 रुपीज, अंबेडकर नगर 112 रुपीज, लखीमपुर 112 रुपीज, सीतापुर 108 रुपीज, कन्नौज 110 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं तमिलनाडु का। तो चेन्नई 132, विल्लौर 132 रुपीज, कृष्णागिरी 132 का अपडेट है, अन्नूर 123, अविनाशी 132 का अपडेट है। वहीं अगर बात कर लेते हैं ईरोडे का, तो 127 रुपीज, पिलानी 124 रुपीज एवं थेनी 126 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों, बात कर लेते हैं राजस्थान के कोटा से, 114 का खबर है, अजमेर 104 रुपीज, जयपुर 101 रुपीज, सिंघाना 99 रुपीज, सिकार 99 रुपीज, अलवर 99 रुपीज, रेनगोस 100 का अपडेट है, बेवेर 104 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों, बात कर लेते हैं पंजाब का। तो पटियाला से 103 का खबर है, लुधियाना 103 रुपीज, पठानकोट 110 रुपीज, पंजाब 110 रुपीज, होशियारपुर 103 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं उड़ीसा का। तो राउरकेला आईबी 120 रुपीज, बालासोर 112 रुपीज, भुवनेश्वर 111 रुपीज, कटक 111, अंगूल 110 रुपीज, बोलांगीर 110 रुपीज। आगे बढ़ते हैं नयागढ़ 110 का अपडेट है। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं दोस्तों, नागपुर से 132 का खबर है, अमरावती 132 रुपीज, यतमाल 130 का खबर है। किसान भाइयों, चूजे के बढ़े हुए रेट से बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर परेशान हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स खोज रहे हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं दोस्तों कि जो लोग भी अपने पोल्ट्री को डायरेक्ट होलसेलर को देते हैं, अगर आप होलसेलर के बजाय अपने मुर्गियों को रिटेलर के दुकान में डायरेक्ट बेचें, तो इस तरह से दोस्तों रिटेलर और आपका जो डीलर का पैसा है दोस्तों, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, और कुछ पैसे रिटेलर को भी फ़ायदा हो जाएगा और कुछ पैसे दोस्तों पोल्ट्री फार्मर को भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर मध्यम वर्ग में या फिर अगर छोटे तौर पर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो मुर्गियों को बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। रिटेल वाले भी, अगर मान लीजिए आपके एरिया में 8-10 दुकान शॉप से अगर आपने टाई अप कर ली, बहुत ही जल्द आप अपने पोल्ट्री को बेच पाएंगे और प्रति किलोग्राम 4 से 5 रुपए तक एक्स्ट्रा कमा पाएंगे। तो इस चीज़ पे एक बार ध्यान अवश्य दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, गोंडिया 130 रुपीज़, बुल्दाना 132, वसीम 132 रुपीज़, नासिक 127, मुंबई 127, मालेगांव 127, पुणे 127, नगर 127, अमरावती की बात कर लेते हैं, कल्याण से 127 का अपडेट है, अकोला 130 रुपीज़, लातूर 127 रुपीज़, भंडारा 130 रुपीज़, इंदापुर 127 रुपीज़, पानवेल 127, सतारा 127 रुपीज़, नांदेद 125 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं एमपी का, यानी कि इंदौर से हमारे पास 115 का खबर है, जबलपुर 123 रुपीज़, दिंदौरी 124, छतरपुर की बात कर ले 120 रुपीज़, ग्वालियर 120, भोपाल आई बी 132,
सिनो 130 रुपीज़, सौसार 130 रुपीज़, बैतूल 130 रुपीज़, ओरछा 116, राजनगर 118, सिंगरौली 110 का अपडेट है, उज्जैन 115 रुपीज़, रतलाम 120 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केरला की तरफ चलते हैं तो तिरुवनंतपुरम 120 का अपडेट है, केरला 120 रुपीज़, कन्नूर 120 रुपीज़, वायनाड 120 रुपीज़, कालीकट 120 का अपडेट है। कर्नाटका की बात कर ले, हॉस्पेट 125 रुपीज़, हुबली 132, गोकक 127 रुपीज़, बेलगम 128, मैसूर 141, शिमोगा 139, बेंगलोर 131 का अपडेट है। झारखंड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जमशेदपुर से 113 का खबर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ भी 2 रुपए की बढ़त दिख रही है, कल 111 रुपए प्रति किलोग्राम का अपडेट था, आज 113 का है जमशेदपुर। टाटा में रांची में 114 का अपडेट है, बरही 115 रुपीज़, बोकारो 113, धनबाद 113, गढ़वा 113, पलामू 115, लातेहार 115, हजारीबाग और कोडरमा की बात कर लेते हैं तो 113 का ही अपडेट है, रामगढ़ 114 पे डील हो रहा है। जम्मू कश्मीर 104 रुपीज़, हरियाणा 100 का अपडेट है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो मंगरोल 128 रुपीज़, वलसाड 124, नौसारी 124 रुपीज़, जामनगर 128 रुपीज़, पालनपुर 125 रुपीज़, रमौल की बात कर लेते हैं तो 129 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं, बारूच की बात कर ले, 125 का अपडेट है। दिल्ली गाजीपुर मंडी की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दिल्ली के गाजीपुर मंडी से 110 रुपए का खबर है। वहीं अगर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, तो रायगढ़ 118, खरसिया 118, कोरबा 118 रुपीज़, पथलगांव 120 रुपीज़, अंबिकापुर 120 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, रायपुर आईबी 115, बिलासपुर आईबी की बात कर ले, 117 का अपडेट है। बिहार चलते हैं, दरभंगा 113, बेगूसराय 113, हाजीपुर 114, मुजफ्फरपुर 114, मोतिहारी 114, पूर्णिया 114 रुपीज़, सुपौल 114 रुपीज़, भागलपुर 112 रुपीज़, सासाराम 113 रुपीज़, नवादा 112, पटना 128 रुपीज़, अरवल 113 रुपीज़, बक्सर 113, एवं सिवान 114 का अपडेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तो चित्तौर 142, नीलौर 142, भी कोटा 123 रुपीज़, सिद्दीपेट 123 रुपीज़, वरेंगल 123, हैदराबाद 123 रुपीज़, करनौल 123, वियाज 123 रुपीज़, विजयवाड़ा 128, गोदावरी 128 रुपीज़, गंटूर 131 एवं ओंगले 131 का अपडेट। फिर मिलते हैं किसान भाइयों, नमस्कार, धन्यवाद।